टीवी के पॉपुलर सीरियल कुमकुम भाग्य की एक्ट्रेस सिमरन बुधरूप हाल में बप्पा के दर्शन करने लालबाग चर राजा पंडाल पहुंची थी, जहां उनकी माँ और उनके साथ बाउंसर ने बस सलूकी और धक्का मारा। सोशल मीडिया पर ये शॉकिंग वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सिमरन ने इंस्टाग्राम पर दर्दनाक अनुभव को शेयर किया, जिसने उन्हें हैरान और निराश कर दिया। एक्ट्रेस ने बताया कि मैं अपनी माँ के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए लालबाग चर राजा गई, जहाँ कर्मचारियों ने उनके साथ हाथापाई की है। साउथ सुपरस्टार विजय थलापति ने राजनीति में एंट्री करने से पहले अपनी आखिरी फिल्म की घोषणा कर अपने सभी फैन को इमोशनल कर दिया। मेकर्स ने थलापति 69 का वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। दक्षिण भारत सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर में से एक विजय गोड के बाद एक बार फिर धमाका करने वाले हैं। प्रशंसक इस बात से खुश हैं कि अभिनेता अपनी नई पार्टी तमिलका विक्री कंजम के साथ राजनीति में एंट्री करने से पहले अपनी 69वीं फिल्म पूरी करेंगे। पंजाबी सिंगर और फेमस एक्टर दिलजीत दोसांझ भारत में जल्द ही दिल लुमिनाती टूर करने जा रहे हैं। सिंगर के कॉन्सर्ट को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौम्या साहनी का रिएक्शन सामने आया। सौम्या ने कहा कि दिलजीत दोसांझ को अपने फैन से एक कॉन्सर्ट का 20-25 हजार रुपए चार्ज करने का कोई हक नहीं बनता है। उनके कई ऐसे फैंस हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है या वे बेरोजगार हैं। शुक्रवार को रिलीज हुई करीना कपूर की फिल्म दबंगी में मर्डर्स बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई है। फिल्म ने पहले दिन महज 1 से 15 करोड़ रुपयों की ही कमाई कर पाई है। डायरेक्टर हंसल मेहता की ये फिल्म लोगों को पसंद तो आई है और क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी को अच्छा रिव्यू भी दिया। इसके बाद ये फिल्म कमाई के मामले में कोई खास कमाल नहीं कर पाई। टाटा की माने तो करीना कपूर की फिल्म दबंगिंग मर्डर्स ने पहले दिन करीब 15 करोड़ रुपयों की कमाई की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने कहा है कि उनके फिल्मों में आने के फैसले से पिता धर्मेंद्र खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि ईशा 18 साल की उम्र तक शादी करके अपना घर बसा ले। ईशा को उन्हें फिल्मों में आने को लेकर काफी कन्विंस करना पड़ा। ईशा ने 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बॉलीवुड में ईशा की आखिरी फिल्म 2011 की टेल मी ओ खुदा थी।